जय हिंद साथियों, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में हमने यहीं तक डिस्कस किया था, शायद इसके आगे भी बता दिया था। नहीं, तो हमने बात किया है कि बौद्ध से संबंधित चार काउंसिल हुए हैं, और पहला जो काउंसिल हुआ था वो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के साथ ही हुआ था, 483 BC में, और ये अजातशत्रु ने करवाया था। और कहाँ पर? राजगृह में। और इस काउंसिल का चेयरमैन कौन था? महाकश्यप। और हमने डिस्कस किया था कि बौद्ध धर्म में तीन पिटक हैं। पिटक क्या है? बौद्ध साहित्य। तो सुत पिटक और विनय पिटक जो हैं, वो हमने बनाए थे पहले काउंसिल से। तो दो तरीके इस क्वेश्चन हो गया। पहला काउंसिल कहाँ हुआ था और किस शासक ने कराया था, या थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो किस लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले काउंसिल में हमने क्या किया? सुत पिटक और विनय पिटक ने बनाए हैं। सुत पिटक किसने लिखा है? तो सुत पिटक लिखा है आनंद ने, और विनय पिटक लिखा है उपाली ने। ये बुद्ध के दो प्रिय शिष्य कहे जा सकते हैं, अलग आनंद भाई थे। तो सुत पिटक आनंद के द्वारा और विनय पिटक उपाली के द्वारा, ये लिख भी लेना। सुत पिटक किसने लिखा है, विनय पिटक किसने लिखा है? हाँ, ठीक बताया है। पिटक क्या है? तो मैंने कहा था कि टोकरी, तो जो लिखे गए पत्तों पे लिखे गए, तो उन पत्तों को क्या किया हमने? टोकरी में रखा, तो वहां से पिटक वर्ड आया। तो एग्जैक्ट पिटक वर्ड का मतलब जो है वो है टोकरी। लेकिन यदि हम पूछे कि विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत पिटक क्या है, तो ये बौद्ध लिटरेचर है, बौद्ध साहित्य है। क्लियर है? चलो, सेकेंड काउंसिल पहले काउंसिल के 100 साल बाद 383 में हुआ, और ये कहां पर? वैशाली में। किसके द्वारा? काला अशोक के द्वारा। ये इसकी कोई खास विशेषता नहीं है। इसकी अध्यक्षता किसने? सब कामी ने की थी। कल हमने ट्रिक सिखाया था, जगह का नाम याद करने का क्या तरीका होगा? रावापक। रावापक क्या है? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम या कश्मीर, या कुंडलग्राम भी हो सकता है। कुंडलग्राम, कुंडलवन, कश्मीर। तो ये तो हो गया। फिर शासक का नाम हमने क्या सिखाया था? अजा का अक, अजाशत्रु, कलाशोक, अशोक, कनिष्क। और इसमें हमने अभिधम्म पिटक लिखे। इसका शासक कौन है? मुगली पुत्तीस, और किसके नेतृत्व में? अशोक के। और लास्ट जो है बौद्ध सम्मिन, वो वसुमित्र के से नेतृत्व में, किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। और इसी में बौद्ध धर्म दो हिस्सों में, महायान और हीनयान में बट गया है। अब देखो, त्रिपिटक के बारे में थोड़ा सा हम सीखते हैं, जो आप पूछ रहे थे। तो हमने कहा था पिटक मीन्स बास्केट, पिटक का अर्थ क्या है? टोकरी, वही जो आप बोल रहे थे। और ये ओरिजिनली किस पे लिखे जाते थे? ताड़ के पत्तों पर, पाम लीव्स पर, और बास्केट में रखा जाता था। इसलिए इनको हमने क्या कहा है? पिटक्स के हैं। और सुत पिटक में क्या है? बुद्ध ने के विचार, दरवाजा बंद कर दो। विनय पिटक में सन्यासियों के लिए, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध धर्म की प्रवचन। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसमें क्या है। जनरल इतना की है, गहराई में नहीं जाते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर पूछ लेते हैं कि कितने पिटक हैं, कौन सा पिटक किस धर्म से रिलेटेड है, या बौद्ध धर्म का कौन सा साहित्य है, किस भाषा में लिखे गए हैं सारे के सारे? पाली। यदि ये पूछा जाए कि बौद्ध धर्म या बुद्ध के समय की भाषा क्या है, तो पाली है। बाद में इन्होंने क्या किया? संस्कृत को अपना लिया। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बनाता है कि लेटर बौद्धा पीरियड में साहित्य के लैंग्वेज क्या है, तो संस्कृत है। और कई बार दोनों ऑप्शन में देता है, पाली और संस्कृत दोनों, कि बौद्ध साहित्य किस में लिखेंगे, तब आपने करना है पाली में। लेकिन बाद में पूछा जाए कि लेटर बौद्धिक पीरियड, बौद्ध लिटरेचर आर, तब क्या करना है? संस्कृत करना है।
एनटीपीसी में कैसे क्या करना है उसका हम वीडियो बनाए हैं, उसको आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। मिलिंद पन्नो, कल हमने बात की थी थोड़ी बहुत, किस भाषा में, पाली लैंग्वेज में, किसके किसके बीच, मिनांडर और नागसेन के बीच, लिखा किसने है, नागसेन ने, और मिनांडर कौन है, इंडो ग्रीक शासक जिसने भारत में पहली बार सोने का सिक्का चलाया था। दीप वंश महावंश कहां पर है, श्रीलंका के साहित्य है, ये भी किस में है, पाली में। बुद्ध चरित ये किसने लिखा, अश्वघोष ने, और किस भाषा में, संस्कृत में। तो अब आगे शुरुआत हो गया संस्कृत का, ठीक है। हीन यान क्या है, महायान क्या है, तो हीन यान जो बुद्ध का ओरिजिनल आइडियोलॉजी था वो था हीन यान। बुद्ध ने जो जो बातें कही उसको एज इट इज लागू करना क्या कहलाएगा, हीन यान। हीन यान में क्या है, किसी ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। महायान में बाद में क्या किया गया, बुद्ध को ईश्वर की का रूप घोषित कर दिया गया। जब कोई भगवान नहीं है तो पूजा पाठ का नहीं होगा, और किस लैंग्वेज में है, पाली में। इनको हम साउदर्न बुद्धिस्ट कहते हैं, क्यों, ये साउथ हिस्से में श्रीलंका, बर्मा, जावा, थाईलैंड जैसे देशों में विस्तार पाए। फिर महायान, बुद्ध को ही भगवान घोषित कर दिया, और लैंग्वेज क्या आ गया इनका, संस्कृत। और जब बुद्ध को भगवान घोषित किए हैं तो आपको पूजना भी पड़ेगा। और नॉर्दर्न कहेंगे चाइना, कोरिया, जापान जैसे देशों में, तो ये डिफरेंस है महायान हीन यान में। और किसके टाइम में बटा था तो हमने बताए थे। अब ये इस बार क्वेश्चन आया था एसएससी में, सीएचएसएल में, कि बज्रायन कहाँ पे था, तो बज्रायन कहाँ पे है, बंगाल और बिहार में। ये जादू टोनों पे भरोसा करते हैं पूजा पाठ कर्मकांडों के द्वारा। और द चीफ डिविनिटीज ऑफ दिस सेक्ट्स वेयर कॉल्ड द ताराज, इनके जो मुख्य पूजा या मुख्य जिन पर बल दिया गया है उनका नाम क्या होगा, तारा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक बौद्ध धर्म का पार्ट हो गया, दैट इज बज्रायन, जादुई टोनों के द्वारा। बोधिसत्व, यहां से क्वेश्चन आईएएस 2015 का क्वेश्चन है कि फ्यूचर में जन्म लेने वाले बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है, मैत्रेयी। बुद्ध को स्वर्ग में किस नाम से जाना जाता है, अमिताभ के नाम से, अमिताभ, बुद्धा ऑफ हेवन, स्वर्ग में बुद्ध, और मैत्रेयी जो फ्यूचर में जन्म लेंगे। और वज्रपाणी इंद्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और एक लोस्तिकेश्वर, द लॉर्ड हु लुक डाउन एंड ऑल्सो पद्मनी लोटस बियरर के रूप में दिखाया गया है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, बुद्धिसत्व का मतलब बुद्ध के अवतार, बुद्ध के स्ट्रक्चर। तो ये आपको जानना चाहिए, अमिताभ कहाँ पे कहा गया, मंजूश्री कहाँ पे है, वज्रपाणी कौन से है। जैसे ऐसे पूछ लेंगे कि बुद्ध का जो विष्णु अवतार है वो किस नाम से जाना जाता है, बुद्ध को हेवन में किस नाम से जाना जाएगा, बुद्ध जो जन्म लेंगे वो किस नाम से जाने जाएंगे। चल ये इस बार क्वेश्चन पूछ लिया है दिलीप लिस्ट मैजिटी सीधे, चैत क्या था, बिहार क्या है, स्तूप क्या है। तो स्तूप जहां पर हमने कहा था कि बुद्ध के अवशेषों को दफनाया गया पहले बौद्ध सम्मेलन के बाद जो डिवीजन हुआ था, चैत्य जहां पर पूजा पाठ करते हैं बैठ के, एक रूम सा होता है छोटा सा, उसमें बैठ के आपको ध्यान लगाना है, इंडिविजुअल छोटा छोटा होता है एक व्यक्ति के लिए। बिहार जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, है ना, घर निवास स्थान। अब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी भारत में कौन कौन सी है, तो तीन बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, एक तो नालंदा, दूसरा विक्रमशिला और तीसरा है बल्लभी। नालंदा आप जानते हैं कुमार गुप्त ने बनाया था, बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। विक्रमशिला
धर्मपाल के द्वारा, पाल शासक के द्वारा बनाया गया था, और वल्लभी भट्टारक मैत्रेय रूलर के द्वारा गुजरात में बनाया गया था। तो ये तीनों आपको लिखना चाहिए, नहीं पता हो तो। नालंदा एक जगह नहीं मिलेगा आपको, ये फैक्ट है ना। तो नालंदा, कुमारगुप्त, विक्रमशिला, धर्मपाल और वल्लभी भट्टारक मैत्रेयी शासक के द्वारा बनाए गए। चल लिख दिए। ये नालंदा हो गया आपका, जो कितना बड़ा यूनिवर्सिटी का, विक्रमशिला। भारत भारत में बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या है? तो सच्चाई की ये बात है कि बौद्ध धर्म जिस चीज के विरोध में आया था उसी चीज को इन्होंने अपना लिया। कर्मकांडों के विरोध में आया था, बाद में कर्मकांड को अपना लिया। ईश्वर के पूजा पाठ के विरोध में आया था, बाद में इन्होंने बुद्ध को ईश्वर घोषित कर दिया। जनता की लैंग्वेज जो पाली था उसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाद में आके संस्कृत का उपयोग करने लगा। तो यानी जो होता यही है जनरली, कि जिस चीज की बुराई के लिए हम चीजों को शुरू करते हैं, बाद में हमारे अंदर वही बुराई आ जाती। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि हिंदू धर्म हमेशा से क्या रहा है, एडॉप्ट करने वाला। तो इन्होंने क्या कर दिया, भगवान बुद्ध को ही विष्णु का 11वां अवतार घोषित कर दिया। और जब ये साबित कर दिया कि ये अलग नहीं है, विष्णु के अवतार हैं, तो इनका अस्तित्व खत्म हो गया। दूसरी दिक्कतें क्या थी, इनके पास हर चीज का सलूशन नहीं था। मतलब शादी विवाह करेंगे तो इसके लिए कोई परंपरा नहीं हिंदू परंपरा का, मृत्यु हो जाएगी तो कोई परंपरा नहीं हिंदू परंपरा का यूज करिए, जन्म का जो सेरेमनी है वो भी इन्हीं परंपरा के द्वारा। तो ये कोई ऐसा विकल्प सॉलिड नहीं दे पाए जिसकी वजह से खड़े हूं। अब इनका क्या क्या योगदान है हमारे पास, तो कुछ बिल्डिंगें बनी, कुछ स्तूप्स बने, सांची, भरहुत, गया है ना, तो कुछ इनके नेतृत्व में। ठीक हो गए बौद्ध वाले। अब जैन वाले पे आते हैं। जैन धर्म में जो गुरु है उनको क्या कहते हैं हम, तीर्थंकर। तो कुल कितने गुरु हुए अब तक, 24। और 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर हैं। और पहले उसमें ऋषभदेव और लास्ट महावीर। और इन लोग का जिक्र कहाँ है, तो यह आता है ऋषभदेव का जिक्र कहां पर है, भगवत पुराण, विष्णु पुराण। अच्छा, बुद्ध वाले में एक चीज ध्यान रखना है, बुद्ध पूर्णिमा क्यों फेमस है? तो बुद्ध पूर्णिमा फेमस है बुद्ध के जन्म की वजह से, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की वजह से और बुद्ध की मृत्यु की वजह से। तीनों घटनाएं एक ही डेट को हुई हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में, और एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज देता है, तो बच्चा उस पर देने जाता है, उसको तो दिखता है कि बुद्ध का जन्म और उसी को अटेंड करके आगे भाग जाता है। जैसे ऋषभदेव को कई नामों से जानते हैं, अभी हम सिखाएंगे जब ये क्वेश्चन आएगा तो, कि ऋषभदेव को और किस नाम से जानते हैं। फिर आता है कि ऋषभदेव का कहाँ कहाँ जिक्र है, तो भगवत पुराण में है, विष्णु पुराण में है, भगवत गीता में भी है। और पार्श्वनाथ जो है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अब 15-15 आएगी, तो ये लिख लिए, 23वें पार्श्वनाथ, पहले ऋषभदेव और लास्ट महावीर। जैन धर्म के फाउंडर के रूप में यदि बात की जाए तो पार्श्व किसका, ऋषभदेव का, और वास्तविक फाउंडर के नाम से बात की जाए तो महावीर का। लेकिन बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में 5 मेन टीचिंग है, जिसमें से 4 तो दिया था पार्श्वनाथ ने 23वें जैन तीर्थंकर ने, और बाद में महावीर ने एक और उसका एक्सट्रीम लेवल अटैच कर दिया था, ब्रह्मचर्य। तो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य समझते हैं, अहिंसा समझते हैं, अस्तेय भी समझते हैं, चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। जब हम किसी चीज को आवश्यकता से अधिक संग्रह कर लेते हैं तो हमारे पतन का कारण बन जाता है। जैसे इकोनॉमी भी कहता है कि पैसे का सर्कुलेशन बढ़ते चलते रहना चाहिए, लेकिन हम सबको यदि सेविंग करने लगे तो इकोनॉमी को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अपरिग्रह। और महावीर ने जब
इन चार तरीकों का उपयोग करके ज्ञान प्राप्ति की कोशिश किया तो ज्ञान मिला नहीं, तो फिर उन्होंने पांचवें तरीके को ऐड कर दिया, दैट इज ब्रह्मचर्य। तो ये क्वेश्चन में आता है कि महावीर ने क्या अटैच किया है। चार आर्य सत्य किसने दिए थे, सॉरी चार संदेश किसने दिया, चार शिक्षाएं किसने दी थी? और तो हमें लगता है ऋषभ देव ने दिया था, लेकिन जबकि ऋषभ देव ने नहीं, पार्श्वनाथ ने दिया, 23वें गुरु ने दिया। चलो अब ये क्वेश्चन भी इस बार आया था कि अपने आप में टफ क्वेश्चन है ये, कि ऋषभ देव को किस रूप में प्रदर्शित किया गया है, बुल के रूप में, महावीर को किस रूप में, लॉयन के रूप में, और पार्श्वनाथ को किस में, सांप के रूप में प्रदर्शित किया गया। अब आजी महावीर के बारे में जान लेते हैं। 24वें तीर्थंकर माने जा रहे हैं। इनका जन्म, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? नहीं, और इनका कब हो रहा है? 540 में। तो पुराना कौन हो गया? बुद्ध हो गए। बताओ पुराना कौन होगा? बोलो जल्दी। बुद्ध हो गए ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं हुआ करो। बुद्ध की मृत्यु हुई है 483 BC में, 80 साल जिए थे बुद्ध। चले, लेकिन बुद्ध और महावीर लगभग समकालीन है, 23 साल का गैप है। तीन पुराने कौन? बुद्ध। और इनका जन्म कहाँ पर? वैशाली में, क्षत्रिय वंश में। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम और माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। इन्हीं के जो पति थे वो बुद्ध के पहले, इनके महावीर के पहले शिष्य बने थे। क्या नाम है उनका? जमाली। और ये 30 साल के एज में घर से गए थे, जबकि वो 29 साल के एज में गए थे। उनको 6 साल लगे थे ज्ञान प्राप्ति में, इनको 12 साल लग गए थे। ये बिल्कुल तंग हो जाते हैं, ज्ञान नहीं मिल रहा होता, फिर वस्त्र वस्त्र त्याग देते हैं, ब्रह्मचर्य का नार लेके आते हैं, फिर 12 साल की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि जैन धर्म एक्सट्रीमिस्ट है पूरा, उन्हें जितना ज्यादा अपने पे कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि बौद्ध धर्म क्या है? मध्यम मार्गी, लेकिन जैन धर्म एक्सट्रीमिस्ट। लिख दिए सबका नाम, कहाँ पे? कुंडल ग्राम में, क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ था। पिताजी का नाम सिद्धार्थ, उधर माता का नाम त्रिशला, यशोदा से विवाह हो रहा है, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी और जमाली। बुद्ध ने सबको अपना शिष्य बनाया था, सिर्फ दो लोगों को बुद्ध ने अपना शिष्य नहीं बनाया था, एक तो अपने पिता को और एक अपने पुत्र को। वहां पुत्र को भी मना कर दिया था और पिता को भी मना कर दिया था। एक लॉजिक था कि पिता को मैं अपना शिष्य नहीं बना सकता, पुत्र को कि नहीं, तुम अकेले हो तो तुमको माता की देख रेख करना है, तो सिंगल पुत्र वाले पे उन्होंने फोकस किया कि नहीं ऐसा नहीं। ऑन द 13th ईयर ऑफ पेंसिया, वही 42 वर्ष की आयु में इनको साल ट्री पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जुम्बिक ग्राम नामक जगह पर, और नदी का नाम ऋजुपालिक नदी है ना। और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको हमने क्या कहा? कैवल्य कहा। कैवल्य कह दीजिए, जिन कह दीजिए, है ना, उनको बुद्ध कहा था। और देयरफॉर ही वाज कॉल्ड द महावीर एंड जिन, ही वेयर कॉल्ड जैन एज अ रिलीजन जैनिज्म। ही प्रीच्ड हिज डॉक्ट्रिन फॉर 30 ईयर एंड डाइड द एज ऑफ 72। ये 72 साल जीवित रहे। और कहां पर इनकी मृत्यु हो रही है? पावापुरी में, राजगृह में।
क्लियर है? पावा पूरी वाला आता है एग्जाम में, और कभी वैसे स्टेट आ जाएगा तो बिहार में। महावीर ने त्रिरत्न दिए हैं, इनका त्रिरत्न क्या है? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, पूर्ण रूप से कार्य होना चाहिए, और पूर्ण रूप से उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और इन्होंने एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट को लिया है कि सब में आत्मा है, और सब में आत्मा है तो किसी की आत्मा को हर्ट नहीं करना है। कीड़े तक को मारने पे भी इनका रोक है, मास्क लगा के रखते हैं, खेती नहीं करते ताकि कहीं कीड़े न मर जाए, पता नहीं मच्छर के लिए क्या करते हैं। लेकिन यही कारण था कि इतने आइडियलिस्टिक हैं कि कभी ये जनता के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया धर्म, जो थोड़ा बहुत तो अपनाया बिजनेसमैन लोगों ने अपनाया। राइट कंडक्ट रेफर द ऑब्जर्वेंस ऑफ ग्रेट व्यूज, नॉट टू इंजर, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, नॉट टू लाई, झूठ नहीं बोलना है, नॉट टू स्टील, चोरी नहीं करना है, नॉट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, वही अपरिग्रह, और नॉट टू लीड इमोरल लाइफ, अनैतिक जीवन का पालन नहीं करना है। अब है कि महावीर का क्या था कि निर्जीव वस्तुओं में भी आत्मा है, उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। निर्जीव और सजीव दोनों में आत्मा है, और इसलिए उनको यदि हम नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको भी दर्द महसूस होता है। महावीर रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदा, लेकिन उन्होंने वेद को नहीं माना कि उन्होंने कहा कि वेद जो है, वैदिक रिचुअल्स जो है, ये मतलब व्यक्ति को पीछे लेके जाते हैं। एडवोकेट अ वेरी होली एंड एथिक्स कोड ऑफ लाइफ, बहुत ही ज्यादा आदर्श की बात चल रही है। यहाँ तक इन्होंने कृषि को भी पाप का आधार मान लिया, कृषि भी नहीं होनी चाहिए, इट कॉज इंजरी टू द अर्थ, वर्म्स एंड एनिमल्स, इसके वजह से पृथ्वी को, कीड़ों को, जानवरों को नुकसान पहुंचता है, जो प्रकृति दे रही है एज इट इज खाए। और इन्होंने भी कर्मा का सिद्धांत दिया है, एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, और इनका भी था कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, लेकिन इन्होंने भी ईश्वर पे विश्वास नहीं किया है। दोनों नास्तिक धर्म है, बौद्ध और जैन, सिमिलर टू डॉक्ट्रिन ऑफ, एंड द रिनिशिएशन वाज आल्सो कैरिड टू एक्सट्रीम लेंथ बाय द प्रैक्टिस ऑफ सेलिब्रेशन, न्यूडिटी एंड अदर फॉर्म ऑफ सेल्फ टॉर्चर। इन्होंने भी तप और त्याग के सिद्धांत को आधार बना करके भुखमरी की बात कही है, नग्नता की बात की है, आत्म प्रताड़ना, खुद को जैसे नहीं देखते होंगे जैन गुरु अपने बाल नचवाते हैं और चेहरे पे सिकन तक नहीं होती है, मतलब वो बोलते हैं कि इतना अपने ऊपर कंट्रोल हो जाना चाहिए कि दर्द का एहसास ना हो। लेकिन इन्होंने इक्वलिटी की बात की है, जाति धर्म और इस तरीके की चीजों का विरोध किया है। चलो, दो जैन काउंसिल हुई है, दो जैन सम्मेलन हुए हैं, एक हुआ है पाटलिपुत्र में, याता है, और एक हुआ है बल्लभी में। पाटलिपुत्र में 300 BC में और 512 में। यहाँ पर शासक का नाम नहीं मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पहला वाला सम्मेलन कराए थे, और यहीं पर 12 अंग और 12 उपांगों का निर्माण हुआ है। अंग और उपांग इनके लिटरेचर है जैन ग्रुप के। और इन्होंने प्रॉपर संघ का निर्माण किया है, महिला और पुरुष दोनों को एंट्री थी, और ये कुछ पश्चिम हिस्से में, गुजरात जैसे हिस्से में, राजस्थान जैसे हिस्से में और कर्नाटक जैसे हिस्से में इसका विस्तार रहा। कई सारे महत्वपूर्ण शासक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जाकर के श्रवण बेलगोला में संलेखन विधि से भद्रबाहु के साथ मिल करके प्राण त्याग दिया था जीवन। इसी तरीके से खारवेल शासक कलिंग
कलिंग का कार्वेल शासक जैसे लोग इनके समर्थक माने जाते हैं। कदम, गंग, चालुक्य, राष्ट्रकूट, ये सारे के सारे इसके समर्थक हैं। चलो अब इनका भी दो हिस्सा है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो पूरी तरीके से ईश्वर ने जैसा भेजा वैसे रहेंगे, श्वेतांबर जो है व्हाइट क्लॉथ बाय पहनते हैं। और ये सिर्फ चार चीजों को मानते हैं, ब्रह्मचर्य वाले को नहीं मानते हैं, वो पांचों को मानते हैं। तो इस तरीके से ये पार्श्वनाथ के समर्थक माने जा सकते हैं, वो महावीर के माने जा सकते हैं। इनमें इनका कहना था कि महिलाओं को, मतलब हिंदी क्या बोले इनको, फ्री तो नहीं रह सकती, ऐसा नहीं है, मतलब इनको दुष्चक्र से, चक्र से पार नहीं हो सकती। इन्होंने कहा कि नहीं, महिलाएं भी पार हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि श्वेतांबर में महिलाएं रहती हैं, दिगंबर में नहीं है, क्योंकि वाणी ड्यूटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वस्त्र का है, तो इसमें पॉसिबल है। भद्रबाहु है इसके उदाहरण, इसमें स्थल भद्रा है, सुलभद्रा। हाँ, मुक्ति वर्ड ही था। जैन आर्किटेक्चर कहाँ कहाँ पर है, तो गोमतेश्वर की मंदिर सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है इनकी, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभदत्त का है, ये कहाँ पर, महाराष्ट्र में, एलोरा के महाराष्ट्र। दिलवाड़ा टेम्पल राजस्थान, गिरनार और पलिटाना टेम्पल गुजरात, मुक्तागिरी टेम्पल महाराष्ट्र, और हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा। तो ये जैन आर्किटेक्चर से संबंधित है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित कौन सा जैन धर्म से संबंधित है। जैनिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो जैन इन लोगों ने किसमें शिक्षा दी है, प्राकृत में, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या बेसिक डिफरेंस है, जैनिज्म रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड व्हाइल बुद्धिज्म इज नॉट, ये गलत बात कह रहे हैं। दोनों में से किसी ने भी भगवान को नहीं माना है। जैनिज्म डज नॉट कंडेम द वर्णा सिस्टम व्हाइल बुद्धिज्म, हाँ ये चलो, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध तो नहीं किया है, लेकिन इन्होंने विरोध किया है। जैनिज्म बिलीव्ड इन द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आत्मा है तो आत्मा का परिवर्तन होता है। बौद्ध धर्म में कहा कि आत्मा है ही नहीं, तो फिर पूछा कि जन्म कैसे होता है, तो हमने मोमबत्ती वाला एग्जाम्पल दिया था, बता नहीं पाए, तो फिर कहे कि ऐसे मुद्दों पे डिस्कशन का कोई मतलब नहीं। और फिर बौद्ध, ये हम बार बार आपसे कह रहे थे, मध्यम मार्गी है ये, और ये पूरी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट है। तो आत्मा वाले मुद्दे पे थोड़े अलग है एक दूसरे से। तो यहां तक यदि क्लियर हो तो हम एक बार एमसीक्यू इनका करवा देते हैं। अपने लोगों ने पढ़ा भी है या अभी बस रिवाइज किया, वही है। बहुत छोटा हो गया ना, बहुत छोटा है ना।
वुमन एंड चिल्ड्रेन वेर अलाउड इन बुद्धिज्म। हाँ बताओ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल। महात्मा बुद्ध नेपाली थे? हाँ? उसमें नेपाल इंडिया का हिस्सा था आज, मतलब नेपाली है नहीं हूँ जी। गौतम बुद्धा बर्थ प्लेस इज मार्क बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स? गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? बताओ, आसान क्वेश्चन है। रोमन देई का पिलर अभिलेख लिख लोगे जहाँ पे वो बताता है कि मैं इनके वहां पे गया हूँ और मैं अपने टैक्स का 1/8 लूंगा, है ना, टैक्स में छूट देने का जिक्र करता है रोमन देई अभिलेख में। बुद्ध किस वंश के थे? गात्रिक, मौर्य, शाक्य, कुरु। शाक्य। और महावीर कौन से थे? दोनों क्षत्रिय वंश के थे, है ना। शाक्य इनका है, उनका कौन सा है? महावीर क्षत्रिय तो ये भी है, क्षत्रिय में कौन सा? वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? बताओ। तो हमने सीखा था राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम, कश्मीर। चले, हु ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? तो हमने सीखा था अजातशत्रु, कालाशकोर, अशोक और कनिष्क। तो चौथा बौद्ध सम्मेलन कहाँ, किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। बुद्धा मीन्स, बुद्ध का अर्थ क्या है? एनलाइटेड वन, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रबुद्ध हो चुका है, ज्ञानवान व्यक्ति है। आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धिस्ट का उदाहरण है? तुमने पढ़ा था अभी, त्रिपिटक है। अंग किसका है? जैन वालों का। उपनिषद हिंदू, अरण्यक हिंदू। उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांग। वेदांग या वेदांत? वेदांत। वेदांग तो 6 है, ये वेदांत कहते हैं। बुद्धिज्म मेड एन इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ टू, बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा किन दो लोगों पे प्रभाव पड़ा था? किसकी स्थिति सुधारी इन्होंने? महिलाओं की और शूद्रों की। बुद्धा गेव हिज फर्स्ट मैसेज, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धम्मचक्र परिवर्तन। तो कहां हुआ था धम्मचक्र परिवर्तन? सारनाथ में। और ज्ञान की प्राप्ति? बोधगया गया। बुद्ध कुछ ज्यादा छोटा है क्या, दिख रहा हूं इनको? विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलीफ्स ऑफ बुद्धिज्म? लेकिन बुद्ध का कौन सा सही है? बताओ बुद्ध के बारे में। नहीं दिख रहा, ध्यान से देखो।
अभी बड़ा नहीं बना और छोटा हो गया, बड़ा तो हो गया। चले अब बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। बुद्धि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सरो, है ना, दुनिया में दुख है। पीपल सफर एन अकाउंट ऑफ डिजायर, दुख का कारण इच्छाएं हैं। इफ डिजायर आर कॉन्कर्ड निर्वाणा विल बी अटेन, यदि इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो निर्वाण प्राप्त हो सकता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल मस्ट बी रिकॉग्नाइज, ईश्वर का अस्तित्व है इनके हिसाब से, सोल का अस्तित्व है इनके हिसाब से, नहीं है। तो कौन कौन सा सही हो गया, 1 2 3 है सी। नहीं दिख रहा है भाई। द फर्स्ट मेटल क्वाइंस, पंचमार्क, पहली बार धातु के सिक्के हमें पंचमार्क कहाँ मिलते हैं, किस टाइम पीरियड में मिलते हैं? बुद्ध, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ बुद्धा, महाजनपद टाइम पीरियड में, लिख डालो नोट करके। और उस क्वाइन का नाम क्या था? पंचमार्क। थोड़ा देख भी लो। पंचमार क्या आहत के नाम से जानते हैं? देखो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए? तो यदि प्रारंभिक ना लिखा और सिंपली ऐसे भी लिखा हो बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तब भी पाली, लेकिन ये लिखता लिखता लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तब करते आप संस्कृत। चले विच लैंग्वेज वॉज मोस्टली यूज फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ बुद्धा, किस भाषा का मुख्यतः उपयोग किया गया? पाली का। बुद्ध का साहित्य कौन सा? त्रिपिटक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, सबसे लास्ट में। अभी अपने आप में एक मुश्किल प्रश्न है तो लिख लोगे। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? बामस सत्पाक्षिणी। दसवीं सेंचुरी में लिखा गया। बताओ बुद्ध का लाइफ में बुल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हम आपको क्लू देते हैं, बुल और लोटस सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बर्थ को। फिर ठीक, महाविनिष्क्रमण को, हट, तो घर को निकलने को महाविनिष्क्रमण करते हैं, घोड़ा। और ज्ञान प्राप्ति ट्री से, और मृत्यु स्तूप से, और पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन, ठीक, व्हील से, पहिए से। द एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम पूछा जाए तो क्या करना है आपने? तक्षशिला। और इंडिया का ओल्डेस्ट पूछा जाए तो नालंदा। किसके द्वारा? अभी बताया था, कुमार गुप्त के द्वारा, और बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया। बुद्धम धर्णम संगम त्रिरत्न।
डिजायर इज द कॉजेज ऑफ सफरिंग इज द थॉट ऑफ, सभी दुखों का कारण इच्छाएं हैं. कौन सा धर्म कहता है? बुद्धिज्म. हेमिस्फेरिकल डोम स्ट्रक्चर दैट बुल्ट इन स्केर्ड रिंस ऑफ बुद्धिस्ट इज कॉल्ड. यही क्वेश्चन तो था इस बार. तो क्या है ये? स्तूप है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर नॉट कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा. कौन निम्नलिखित में बुद्ध के समकालीन नहीं है? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद. क्या नंद थे इस समय? तो जवाब है नहीं. तो कर लो महापद्मनंद. जीवित हैं तो बुद्ध के समकालीन शासक कौन से नहीं है? यहां ये सारे हैं. अजातशत्रु जो गए थे महावीर के साथ. महापद्म नंद नहीं है. बुद्ध कब मरे थे बताओ? अभी बताया था 483 BC में. कहां पर? कुशीनगर. गुड. किस नाम से इस घटना को जानते हैं? महापरिनिर्वाण. ऐसा बताते हैं कि कुछ चुंदक नामक वस्तु खा लिए थे, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि वो मांस था, कुछ लोग कहते हैं कुछ और था, लेकिन उसको खाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी. देखो जो हेमिस्फेरिकल वाला था ना, स्तूप वाला, वही क्वेश्चन इस बार दिलीप लिस्ट में है. अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है वो. है इसका हो जाएगा. दिलीप लिस्ट वाले में नहीं होगा मेरे भाई? तब तो शर्म आनी चाहिए. दिलीप लिस्ट का पेपर भी नहीं पास हो. धांधलेबाजी तो चलती रहेगी. उसके लिए क्या? उसके लिए अपने आप को तैयार करो. क्षत्रियों का वर्चस्व किस काल में देखने को मिलता है? दिमाग लगाओ किसके काल में होगा. तो बुद्ध भी क्षत्रिय हैं और जैन भी क्षत्रिय हैं, तो बुद्ध के काल पीरियड में इनका इंपॉर्टेंस देखने को मिल रहा है. गौतम बुद्धा किस वंश में पैदा हुए थे? 563 में. शाक्य क्षत्रिय वंश में पैदा हुए थे, है ना? इन विच प्लेस गौतम बुद्धा डिलीवर द फर्स्ट सेरेमन, पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ बनारस. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा. चलो बताओ, चार असत्य में कौन सा नहीं है? सबका सही है. चलो ये उल्टा बोल रहा है ना. फर्स्ट बुद्ध वर्ल्ड काउंसिल कहाँ हुआ था? राजगिरी में. देख रहे एक ही तरह क्वेश्चन घुमा के इधर से उधर उधर से उधर. पहले बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मंगलीपुत 30 था. पशुमित्र कौन सा? फोर्थ में था. और फर्स्ट में कौन था? नहीं, हमें शासक नहीं चाहिए, हमें चेयरमैन चाहिए. फर्स्ट के चेयरमैन कश्यप ही हैं. पक्का? चलो
और मुगलीपुत्र 30 अशोक के टाइम, सेकंड के सब कामी। चलो चलो आ ही गया। अशोक के टाइम पे कौन था? तीस थे, ठीक। तो कौन सा? थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड का कौन? सबका में। गौतम बुद्धा गोट एनलाइटमेंट एट द एज ऑफ, कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 29 वर्ष की आयु में चले गए थे, 6 वर्ष लगा था, कितने वर्ष की आयु में प्राप्त होगा? 35 में। चले, बुद्ध का मीनिंग क्या है? सारे ऑप्शन देख के करो। इसलिए तो कहा मैंने सारे ऑप्शन देखे करे ऐसे क्वेश्चंस में। हु अमंग द फॉलोइंग किंग वाज कट डाउन द बुद्धिस्ट ट्री? यस, कल मैं बोल रहा था कि दो लोगों ने काटा था, किसने किसने काटा है बुद्ध का? तो एक तो हमने बताया था कि शशांक ने काटा है, जिनका हर्ष के साथ लड़ाई चल रहा था, और एक थे पुष्यमित्र शुंग। तो लिख लोगे बोधि वृक्ष वार कट बाई शुंग, पुष्यमित्र शुंग और शशांक। इन लोगों को गुस्सा था तो ये महात्मा बुद्ध के पेड़ को ही काट दे रहे। हु अमंग वेयर नॉट डिस्पाइल ऑफ बुद्धा? निम्नलिखित में कौन बुद्ध के शिष्य नहीं थे? हमने बताया था आपको, तो शुद्धोधन उनके पिताजी और राहुल उनके पुत्र। द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, विश्व का सबसे बड़ा, कहाँ साथियों? इंडोनेशिया में। द अर्लिएस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर डील विथ स्टोरीज ऑफ वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्ध के पुराने जन्म की घटनाएं किस में दी जाती हैं? नहीं पता तो लिख लो जातक कथाएं। बुद्ध को अलग अलग एज में अलग अलग, किसी में दिखाए गए बंदर हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ, बुद्ध की पुनर्जन्म की घटनाएं। ऑनलाइन वाले निकम्मा तुम भी जवाब दिया करो भाई। एमंग द फॉलोइंग हु वेयर पर्सनल फिजिशियन ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध का निजी चिकित्सक कौन था? तो लिखो जीवक। चरक तो बाद में आएगा, कनिष्क के टाइम पे। जीवक। द बुद्धिस्ट डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन नोन एज द टर्निंग ऑफ व्हील, कहां पर? सारनाथ में। इन बुद्धिस्ट व्हाट डज पटित मोक्षा स्टैंड फॉर? पटित मोक्ष किसको रिप्रेजेंट करता है? लिख लोगे रूल्स ऑफ संघ, संघ के नियमों को हम पटित मोक्ष कहते हैं। संघ के नियमों को पठित मोक्षा कहते हैं। नहीं पता हो तो लिखते रहना है साथ के साथ। वेयर इज द लुम्बिनी द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा लोकेटेड? हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा? निम्नलिखित कौन गौतम बुद्ध के समकालीन है? तभी हमने पढ़ा था, बताइए।
ठीक है, सबका जवाब सही है। महावीर। वेयर डिड बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। चल, बुद्ध गौतम अशोक को किसने कन्वर्ट किया था बौद्ध धर्म में? उपगुप्त। यस। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बौद्ध गया। बार बार एक ही तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वेर बुद्धाज आइडियोलॉजी, कहाँ पे बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ दिया गया था? अफगानिस्तान में 2009 के आसपास घटना है, उसी के बाद तो रोहिंग्या की स्थिति खराब हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा बौद्ध को मानने वाले म्यांमार हैं ऑफिशियली, तो उन्होंने फिर वहां के मुसलमानों पर हमला शुरू किया और वहीं से सारी प्रॉब्लम जनरेट हो गई। कुतरशाला क्या है? लिख लोगे? तो अब जितने इस बुद्ध के चैप्टर में काम के क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर दिए। बौद्ध और जैन में क्या सही है? बताओ क्या क्या सही है बौद्ध और सही है? तो देखो, पहला तो है एक्सट्रीमिस्ट की बात हो रही है, तो बुद्ध एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, मीडिएटर है। वेद के प्रति उदासीन है, रिचुअल्स का विरोध किया, तो इन्होंने दो और तीन सही होंगे, बाकी सारे गलत है। मैंने पहला गलत है। तबो मत कहाँ है? ये आ चुका एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश में। तबो मठ इज सिचुएटेड एट हिमाचल। बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? कल बताया था आपको, अलार कलाम। यस। तबो मठ, मठ इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, तबो मठ। मोनेस्ट्री। अलार कलाम। वेयर आर द प्लेस विच कंटेन द बुद्ध के अवशेष, कहाँ पे रखे गए हैं? स्तूप में है ना। इन विच लैंग्वेज वर बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन? पाली। विश्व में सबसे ज्यादा बुद्धों की संख्या कहां पर है? निकम चाइना देख रहे हैं ऑप्शन में, लिख लेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट फॉलोअर कहां पर? चाइना में। हालांकि चाइना के लगभग 70% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, नास्तिक हैं। उसके बाद जो सबसे ज्यादा मानते हैं बुद्ध को मानते हैं, आबादी इतनी है। तो हमने कहा था जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु एक ही दिन हुई थी, और उसी को हम क्या मनाते हैं? वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। बुद्ध विहार का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो एजुकेशन के लिए, भिक्षुकों के रहने के लिए, रेजिडेंस ऑफ वर्शिप, रिलीजियस।
तो भिक्षुक रहेंगे तो ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए भी जाएंगे, शिक्षा भी देंगे, नॉर्मल लोगों के लिए, उपासकों के लिए नहीं है। मैंने बोला था कि बुद्ध दो तरीके के लोग होते हैं, एक उपासक और एक भिक्षुक। तो भिक्षुक लोग रहते थे संघ में बिहार में। महायान का समर्थक निम्नलिखित में से कौन सा है? किसके समय में उत्पन्न हुआ था? कनिष्क? नहीं, हीनयान महायान दो हिस्सों बट गया था। कोई अब गलत दे रहा है। लेसान गेंड बुद्धा लिखे चाइना। अब देखो ये क्वेश्चन भी इस बार सीएचएसएल में आया हुआ है। धामे खुशतुप कहाँ पर? तुम्हारे में आया था ना सारनाथ में। सेम क्वेश्चन आ रहा है इधर उधर उधर उधर। सारनाथ इन विच स्टेट इंडिया इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुद्धिस्ट, बुद्ध को मानने वाले सबसे अधिक किस राज्य में? लिख लोगे? महाराष्ट्र। थर्ड बौद्ध काउंसिल किसके समय में हुआ था? ठीक, मुझे लगा देख के बताओगे। बुद्ध के उपदेश किसमें? जातक मतलब पुनर्जन्म के बारे में, उनके पूर्व जन्म की, त्रिपिटक में बुद्ध के उपदेश और वो सब है। ये छोड़ दे। हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म का संस्थापक किसे हम कह देंगे? महावीर को। है ही नहीं ऑप्शन में, होता तो बोल देते। इंडिया द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभ देव और आदिनाथ। ये मेंशन विद द 22nd तीर्थंकर इन ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद में उनका उल्लेख है। 23rd वाज पार्श्वनाथ। फॉलोअर ऑफ जैनिज्म वाज नोन एज द निर्ग्रंथ। लेटर महावीरा स्प्रेड द व्यू एंड कॉल्ड द जैनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परिनिर्वाणा ऑफ महावीरा? कहाँ पे उनका मृत्यु हुआ था बताओ? पावापुरी में, बिहार में, राजगीर में। चलो, जैन साहित्य कौन से हैं इसमें? अभी आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, लेकिन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। निकम्मे आगम, आगम अंग उपांग, ये तो आर्य सूत्र है, तो हिंदू वाला है। जैन लिटरेचर कॉल्ड आगम, इट कंटेन्स 12 अंग, 12 उपांग एंड 10 परिक्रियंस, 6 छेद सूत्र एंड 4 मूल सूत्र एंड अनुगाया सूत्र। द बुद्धिस्ट लिटरेचर इज नोन एज त्रिपिटक। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिया दैट अडॉप्टेड जैनिज्म इन लास्ट डेज? किसने अपने जीवन के आखिरी दिन में अपनाया और जाकर के अपने जीवन को संलेखन विधि से समाप्त कर लिया? तो कौन था? चंद्रगुप्त। भद्रबाहु के साथ जाकर के वहां पे अपना जीवन समाप्त कर दिया, श्रवणबेलगोला में। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक, आयरन एज इज अटैच्ड विथ, ये अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो। किस तरीके के बर्तनों का यूज हुआ है आयरन एज में?
तो ग्रे पॉटरी का उपयोग हुआ। Which one of the following is the great stock before the 6th century BC? 6th century BC से सबसे ज्यादा पहले किसका यूज किया जाता था? Which of the following was in great stock? उपयोग नहीं, स्टॉक पूछा था जरा। आयरन का 8वीं सेंचुरी BC तक तो खोज हो ही गया था, है ना? फिर उसे कम आएंगे तो 6 BC, तो लिख लेना आयरन। Which of the following ruler was responsible for rise of Magad? Yes, Magad के उत्थान में सबसे ज्यादा योगदान किसका माना जाता है? तो ये अभी हमने नहीं कराया है, लिख लो फिर देखेंगे। बिंबिसार। राजगिरी को अपना कैपिटल बनाया था। इन्होंने जीवक को भेजा था बुद्ध के लिए कि ठीक है आपके पर्सनल डॉक्टर रहा करेंगे, आपको कोई दिक्कत होगा तो। हाँ, तो ये नोट करके लिख लेना जहाँ जीवक लिखे थे। बिंबिसार को उनके पुत्र अजातशत्रु ने हत्या कर दी थी। हाथियों के उत्थान मदद से सबसे ज्यादा उत्थान किसका हुआ? मगध का। चल सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु, है ना? ठीक। व्हाट वाज द सुटेबल लैंग्वेज फॉर द सोर्स मटेरियल इन सेंट टाइम? प्राचीन काल में संस्कृत, जब स्पेशली बुद्ध पूछा जाए तब पाली बोलोगे, अदरवाइज एंशियंट टाइम में हमने सबसे ज्यादा किसका? संस्कृत का यूज किया है। सर 60 की बैच की डेट बता दीजिए, बहुत परेशान हूं मैं। तो फिर आएगा तो परेशानी और बढ़ जाएगी। 5 जनवरी से आ रहा नया बैच। हेरोडोटस कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिका नामक बुक लिखी उन्होंने। और फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अभी तो तुमने बताया था किसी के गुरु थे ये एरिस्टोटल्स, अरस्तु। बायो के भी यही हैं, जूलॉजी के भी यही हैं, और अपने पॉलिटिकल साइंस के भी हैं। अलेक्जेंडर फॉट विद पोरस किस नदी पर? हाँ दोनों पे, लेकिन अब दोनों हैं तो क्या करोगे? हाइट पास करोगे। हाँ ये नहीं हुआ तो झेलूंगा। बोथ आर राइट। देखो यहाँ पे दिया भी, झेलम रिवर इज कॉल्ड इन ग्रीक लैंग्वेज एज द हाइड पास। इसी में कहा था पोरस ने, एक जीता हुआ शासक हारे हुए शासक के साथ जो करता है वो कीजिए। पोरस सिकंदर ने बोला बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, और फिर सिकंदर इसे बहुत खुश हो गया। हाँ ठीक है मैं तुमको छोड़ देता हूँ। द रिलीजियस लेसन ऑफ ज्यूज आर कॉल्ड, यहूदियों का कौन सा है इसमें से बताओ? ये तो आसान क्वेश्चन है, बताओ। ऑप्शन एलिमिनेट करेगा तब भी कर देगा, लिख लो। तोरा। यहूदियों के धार्मिक पाठ को क्या कहते हैं? तोरा कहते हैं। मूसा संहिता
नंद शिशुनाग मौर्य हर्यक, इसका एक ट्रिक बनाया था हमने। क्या नाम था? ऑनलाइन वाले बताओ तो, क्या ट्रिक बताया था मैंने इसका? कुछ बहुत बढ़िया सा ट्रिक था, हमेशा याद रहेगा। हसीन मासुका, हाँ ये ट्रिक था, हसीन मासुका साथ में। हाँ हसीन हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण और सातवाहन। तो लिख लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हसीन मासुका ऐसे याद कर लो, याद ही नहीं रहेगा लेकिन ऐसे याद रहेगा। घोरा ये आंसर, हसीन मासुका वाले से। ठीक सर, मैं बरेली यूपी से हूँ, क्या अभी एडमिशन ले सकता हूँ सोनीपत वाले? नहीं भाई, 4 जनवरी को जाना, नया एडमिशन अभी नहीं दे रहे हैं। आ जा आराम से, पहले दोस्ती मित्रता पूरा करके फिर यहाँ आके परेशान रहेगा कि जाना है 4 दिन। समझ पा रहे ना हसीन? तो निकम कथिन कनिष के लिख रहा है, चल कुषाण ठीक ही है। हर एक इतने से इतने से सुनाग इतने, महाभाष्य किसने लिखा है? ये तो पॉपुलर बुक है, बताओ। लिख लेंगे महाभाष्य, रिटन बाय पतंजलि। निम्न कौन से लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं? चरक, सुश्रुत, पतंजलि, कहाँ से निकम्मे मेडिकल से जुड़े हुए हैं? सी करो। चाणक्य, सुसूत्र और बाणभट्ट। वट वॉज द सुटेबल लैंग्वेज फॉर सोर्स ऑफ एंशियंट टाइम, बताओ प्राचीन काल में साहित्य का सोर्स क्या था? संस्कृत। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑल है, फर्स्ट तीर्थंकर तक करा आप जैनिज्म। तो आदिनाथ भी इनका नाम है, ऋषभदेव भी नाम है और प्रथम राजा भी है, तो लिख लेना। ऋषभदेव, ऋषभदेवा, ऋषभदेव, ऋषभ, आदिनाथ, प्रथम राजा, कई नामों से हम जान रहे हैं। महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 24वें हैं और लास्ट भी हैं, ए और बी देख रहे हैं।
जैन धर्म के अनुयायी क्या कहलाते हैं? जैन धर्म के अनुयायी किसके पूजा करते थे? शिव तीर्थंकर को? तो जवाब है कि हाँ, शिव तीर्थंकर को। हाँ, नहीं, गॉड को नहीं, शिव तीर्थंकर को। ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ पर है? तो वेद में भी और गीता में भी। बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर काल, जैन गुरुओं के बायोग्राफी को किस में कहेंगे? तो कल्प सूत्र में लिख लेना, देखना भाई। गौरव ने तब से बैंड बजा रखी है, उस समय भी यही कर रहा था। कल्प सूत्र किसने लिखा है? कल्प सूत्र रिटन बाय, फिर आधे घंटे बात करेगा वो। 4-5 घंटे कहते हैं कम समय। कल्प सूत्र किसने लिखा है? तो लिख लेंगे, कल्प सूत्र रिटन बाय भद्रबाहु। कल्प सूत्र रिटन बाय भद्रबाहु। सर मेरा कमेंट शो कर रहा है। हाँ भाई, आपका कमेंट शो कर रहा है। हैं, डेट हो गए ना सारे पुराने चैनल, हम पिछले 1 साल से कुछ डाले ही नहीं इसमें। तो होता क्या है कि मतलब जो पुराना बचा हुआ है तो कहीं सिलेक्ट हो गया, ये तो छोड़ दिया। जैसे आप 8वीं के टीचर से कहीं, आप कहाँ टच में होंगे? तो ये वाली बात। बर्थ प्लेस ऑफ महावीर, महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। देख रहे हो, बिहार भी दिया है, भारत भी दिया है और वैशाली भी दिया है। हो सकता है दीज देता तो सही हो जाता है। डेथ कहाँ हुआ था? पावापुरी, बिहार भी दिया है। महावीर के माता का नाम त्रिशला। द फर्स्ट फ्लोर ऑफ महावीर जमाली। एट द टाइम ऑफ महावीरा हु गिव द किंग ऑफ मगध, महावीर के समय मगध का शासक कौन था? लिख लोगे? इनमें से कोई सा भी नहीं था। बिंबिसार, लिख लेना, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। महावीर के समय मगध का शासक बिंबिसार। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल एंड लिबरेशन कैन बी अचीव थ्रू द पाथ ऑफ 3 ज्वेल्स। तो कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक जीव ज्ञान, सम्यक चरित्र, करेक्ट व्यू, करेक्ट नॉलेज, करेक्ट कंडक्ट। उसी को हिंदी इंग्लिश में दे दिया। स्क्रिप्चर ऑफ जैनिज्म इन, निम्न कौन सा जैन धर्म का साहित्य है? अगमास, नहीं, निकम्मे, आगम। जैन धर्म का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? दो हुआ था, मतलब अभी बताया था आपको, एक बल्लभी में और एक पाटलिपुत्र। तो लिख लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, है ना? पहला जो चला था 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, कितने साल चला था? तो लिख लो, 24 साल चला है, 24 ईयर। जैन धर्म का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हमने सीखा था बल्लभी में, गुजरात।
महावीर का जन्म कब हुआ था, बताया था 540 ईस्वी। ये 70 साल जीवित रहे थे, 70 या 72 साल, 72 साल, और वो 80 साल रहे थे। दूसरा जैन सम्मेलन कब शुरू हुआ था, 512 ईस्वी में। मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा है, असीन मासु का, है ना? तो क्या होगा, हरेक वंश। हु वाज द फाउंडर ऑफ हरेक डायनेस्टी, हरेक वंश का संस्थापक कौन है, तो लिख लेंगे बिंबिसार। द फॉलोइंग द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, दूसरा बुद्धिस्ट सम्मेलन किसने करवाया था, काला अशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क, पहला अजातशत्रु। जब नंद सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था, नंद वंश का शासक कौन था, जिस लिख लेंगे धनानंद। ड्यूरिंग द अटैक ऑफ अलेक्जेंडर, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन है, नहीं अभी आएगा, नहीं अब इसी में था तो मैं सोच रहा हूँ करा ही देता हूँ। ये पहले वो करा के करवाए, करा के कराए तब अच्छा रहेगा। अब देखते हैं पहले इसमें कितना बचा है, कितने नंबर पेज पे हैं हम, 210 पे, 247, तो 18 क्वेश्चन है। चलो पहले कर ही लो, लिख लेना, फिर तो उस समय जब पढ़ोगे तो याद रहेगा कहाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लिखते रहो साथ साथ। मुद्रा राक्षस में इसकी जानकारी मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट ट्रीटी टॉक अबाउट द नंदास बाय द चंद्रगुप्त मौर्य, नंदो को पराजित करने का उल्लेख कहा मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस लिखा किसने है, ये कुछ खतरनाक सा ही नाम है, एनटीपीसी का करंट अफेयर का मैराथन लेकर आई है। अरे एनटीपीसी का पहले डेट तो आने दो मेरे भाई, है ऐसे ही है, चुनाव है राज्य में। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के मौर्य, सेल्यूकस सेंट मेगास्थनीज, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था, मेरे बच्चे ऑनलाइन वाले बताओ तो, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, कोई चंद्रगुप्त मौर्य। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला ट्रेवलर कौन है, पहला यात्री भारत में आने वाला या पहला कोई, तो ये मेगास्थनीज जी। चाइना से आने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था, कोई निकम्मा कहला, बार भट्ट ने लिखा था, पागल हो गया, फायान। ये क्रम याद रखना, FHI, फायान वेनसांग इत्सिम। हु अमंग फॉलोइंग रूलर पोर्ट्राइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहला बौद्ध सम्मेलन किसने कहा था, विशाख दत्त, यस दिस इज राइट, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, अजात शत्रु। Which of the following first Indian king is the Indian history who left his record on the stones? पहला शासक जिसका उल्लेख पत्थरों पर मिला है, अभिलेख लिखा है जिसने, अशोक है ऑप्शन में, तो लिखो अशोक। Who was the first Indian king to started matrimonial alliances? विवाह के द्वारा अपने संबंधों को मजबूत करने वाला पहला शासक, तो इट वॉज द बिंबिसार। ये सब पढ़ाऊंगा, ये सब आएगा वैसे आगे, ये मुझे पहले पढ़ा करना था, एक में मर्ज हो गया फाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट किंग इशूड इंस्क्रिप्शन लाइक डेरियस, वही अशोक, विश्व में सबसे पहले डेरियस फर्स्ट ने, और भारत में अशोक ने। बीच महाजनपद गौतम बुद्ध आवाज डाइट, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर, और कुशीनगर में किसका शासक चल रहा था,
मल्लों का शासक चल रहा था, हु वॉज द फर्स्ट फॉरनर अटैकर इन इंडिया, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन है? दैट वॉज द डेरियस फर्स्ट। लेकिन पहला मुस्लिम अटैकर पूछ लेता तो मोहम्मद बिन कासिम। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लिख लेना ये। तो किसने, डेरियस फर्स्ट ने, और पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। हाँ, हु वाज द फर्स्ट मोनार्क ऑफ मगध इन 16th century BC। 16th नहीं है, 6 BC बताओ। तो आप पहला हर्यक वंश था, और किसने, बिंबिसार। अर्लिएस्ट कैपिटल ऑफ मगध, सबसे शुरू में क्या बनाया था हमने, कौन सी राजधानी बनाई थी? तो राजगिरी, बिंबिसार नहीं। हु ट्रांसलेटेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र, राजगिरी से पाटलिपुत्र कौन लेके जाएगा? उदयन, क्योंकि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की है, तो वो लेके जाता है। अब फिर बाद में पाटलिपुत्र से वैशाली, साइलेंट कर दो, पाटलिपुत्र से वैशाली कौन लेके जाएगा? आप सोच के देखो, बच कौन से गए? शिशुनाग। तो ये तुमको लिखना चाहिए, क्या था पहला, पाटलि राजगिरी, राजगिरी से पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से वैशाली। तो राजगीर किसने किया था, अभी हमने पढ़ा था, बिंबिसार, पाटलिपुत्र, उदयन और वैशाली, शिशुनाग। तो ये भी पूछ, क्रम भी लगाने के लिए पूछता है कि राजधानी कौन सी कब कब रही और किसने क्या स्थापित किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये लिख लीजिएगा। इन विच बैटल अलेक्जेंडर डिफीटेड किंग पुरु, किस लड़ाई में हम पराजित किया था? तो हाइड स्पेस या बैटल ऑफ झेलम। लार्जेस्ट सेंटर इन एंशियंट इंडिया, भारत का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा माना जा रहा है? कौशाम्बी। महाजनपद करेंगे हम। सेकेंड परशुराम की उपाधि किसने ली थी? अब देख के देखो, ब्राह्मण था। चलो लिखे, महापद्मनंद, नंद वंश की स्थापना की। तक्षशिला ऑप्शन में था क्या लास्ट क्वेश्चन का? तक्षशिला है ना, तो ये गलत है यार, सी गलत है, तक्षशिला है, तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं। बेसिकली यहाँ एजुकेशन सेंटर होना चाहिए, लार्जेस्ट सेंटर का कोई तो मतलब है नहीं, या तो इंडस्ट्रियल या तो एजुकेशन, तक्षशिला ही है ये। विच महाजनपद वाज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग ने किस वंश को, अवंती को मर्जर किया है? ये पढ़ेंगे महाजनपद तो आएगा ये भी। द मोस्ट पावरफुल सिटी अमंग द महाजनपद इज, ये तो आराम से कर लोगे, सबसे पावरफुल कौन था? मगध। विच महाजनपद वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, कौन सा महाजनपद यमुना के तट पर स्थित है? तो ये कौन सा, वत्स। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशियंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड,
तक्षशिला किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप वैसे भी नहीं जानते, तब भी ऑप्शन से इजी हो जा रहा है, सिंधु और झेलम के तट पर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये हमने कवर कर लिए। बुद्ध के काल तक आते थे जनपद, किस में महाजनपदों में कन्वर्ट हुए, बड़े बड़े साम्राज्य बनने लगे, और सत्ता प्राप्ति के लिए आपस में इनके लड़ाई झगड़े ये सब शुरू हो गए, कंपटीशन शुरू हो गए। तो जो पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है वो मिलता है हमें अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय एक बौद्धिक लिटरेचर है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ से, तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। इनमें कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदि, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कम्बोज जैसे थे। नहीं, लेकिन आपको राजधानी याद करनी है। ये याद करना होगा। अंग कहाँ? चंपा में। मगध गिरिराज, राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, कोसी, तो काशी, तो काशी आपको पता है ही। वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। श्रावस्ती में ही सबसे ज्यादा टाइम व्यतीत किए थे ना बुद्ध ने। सुरसेन, मथुरा, पांचाल, अतरंजी खेड़ा और या कांपिल्य, कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, चेदी, सुरस्वती या बांदा, अवंती, उज्जैन, गंधार, तक्षशिला, कम्बोज, पुंछा, अस्मक, पटिस्थान या पैठन, बज्जी, वैशाली और मल्ल, कुशीनगर। ये हैं एग्जिट। सबसे सावधान कौन सा दिख रहा है? तो मगध की उत्पत्ति के क्या कारण थे? तो हमने कहा था इनके पास एक तो इनका ज्योग्राफिकल इंडिक एरिया ऐसा था, चारों तरफ से सपोर्ट था इनको बाउंड्री वाइज पत्थरों की तरफ से, और एलिफेंट इनके पास है, शासक योग्य आ गए, आयरन ओर्स इनको बड़े लेवल पे मिल गया। तो इनके ज्योग्राफिकली सिचुएशन ने इनको काफी मदद कर दी। ये है क्रम, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। हर्यक कब? 544 BC से 412 BC, सुनाक 412 से 344, नंद 344 से 323 और मौर्य 321 से 185। हर एक वंश का फाउंडर कौन है? बिंबिसार है। इन्होंने मैट्रिमोनियल सिस्टम की, अलायंस की शुरुआत की, और सबसे पहले किसके साथ? कौशल के साथ। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद इनके पुत्र बड़े बने कौन? बिंबिसार। और इन्होंने अपने इन्होंने वैवाहिक संबंध के कॉन्सेप्ट को जारी रखा, और प्रसेनजीत की सिस्टर से इन्होंने विवाह किया, और इनको इसके बदले में क्या मिला? काशी। फिर इन्होंने चेल्लना से भी शादी की,
और फिर उन्होंने खेमा राजकुमार से भी शादी की। तो ये वैवाहिक संबंधों के द्वारा, अपने मैट्रिमोनियल संबंधों के द्वारा अपने शासन को मजबूत कर रही है अभी। जीवक को भेजा था इन्होंने प्रद्योत के पास, जब वो इसके लिए जॉइंटिस बीमारी से प्रभावित हो गए थे। बिंबिसार किसके समकालीन थे, हमने पढ़ा था अभी, बुद्ध और जैन दोनों के समकालीन है, और दोनों अपने अपने धर्म का समर्थक मानते हैं, साबित करते हैं, लेकिन मेनली वो किसके समर्थक माने जाते हैं, बुद्ध के। उन्हें सेनिया भी कहते हैं। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पहला शासक जिसने परमानेंट आर्मी रखी है, सेना रखी है, तो कौन है? बिंबिसार। स्थाई सेना रखने वाला पहला शासक। इसके बाद इनके पुत्र आए अजातशत्रु, इन्होंने बिंबिसार की हत्या कर दी, और इन्होंने भी वैवाहिक संबंधों के कॉन्सेप्ट को ही जारी रखा। इनको भी बौद्ध और जैन दोनों क्या कहते हैं, अपने अपने धर्म के अनुयायी बताते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि शुरू में जैन धर्म को मानते थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है, और भगवान बुद्ध की इनसे मुलाकात हुई है, जिन्होंने अपने गद्दी सौंपने का ऑफर किया उनको। और इन्हीं के सम्मेलन में क्या हुआ था, पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था अजातशत्रु के ही नेतृत्व में, कहाँ पर? राजगिरी में। ठीक, फिर इनके शासक, इनके पुत्र आए उदयन, और इन्होंने क्या किया, पाटलिपुत्र की स्थापना की, और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बताई थी। और इनका समापन हो जाता है, इनके उत्तराधिकारी बहुत अच्छे नहीं थे, तो उसके बाद कौन सा वंश आता है, शिशुनाग वंश। इनका भी कोई खास उपलब्धि नहीं है, इनके एक उत्तराधिकारी हैं कालाशोक, जिन्होंने दूसरा बौद्ध सम्मेलन करवाया था, कहां पर? वैशाली में। ठीक, फिर इसके बाद आएंगे नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन है, धनानंद या महापद्मनंद? महापद्मनंद। धनानंद तो शायद लास्ट हो जाएगा। सेकंड परशुराम किसको कह रहे थे हम, महापद्मनंद को। और इनके धनानंद के टाइम पीरियड में आक्रमण होगा, है ना, और चंद्रगुप्त इसका फायदा उठाएगा और खुद को शासक घोषित कर लेगा। बस यही था जो हमने करना था, क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अब हम कल वाले क्लास में हम क्या करेंगे, मौर्य और गुप्ता डिस्कस करेंगे, और कल हम 99% एनसीएन निपटा लेंगे। तो आज के लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। रात को यदि फ्री रहना तो स्टैटिक जी के करवा रहे हैं, रहना फ्री तभी, ज़बरदस्ती नहीं अभी, क्योंकि बाद में भी करवाएंगे, सब रिकॉर्ड भी हो रहा है। चलो ठीक है, आप लोग चलो फिर। पांच बजे वाली क्लास नहीं है आज, रात को 11 बजे ही है क्लास।
तब तक कोई आपका डाउट कोई क्वारीज हो तो आप पूछ सकते हैं। 16 दिसंबर से कल से हम लोग का अनअकैडमी पे बैच आ रहा है जिसमें सारे अच्छे एजुकेटर्स हैं। यदि आप प्लस में हैं या प्लस लेना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। एक अच्छा मौका है आपको एक अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए। इसमें मैथ में पवन राव सर हैं, इंग्लिश में रानी मैडम हैं, जीएस में कई सारे टीचर्स हैं। मेरा भी है कल से, जो हिस्ट्री रहेगी मेरी क्लास कल से। और अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस भी मैं डेली दे रहा हूँ रात को 11 बजे। और उस फ्री क्लास के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर कोई कोड मांगेगा उस फ्री क्लास में एंट्री करने के लिए, तो श्योर 60 कोड यूज करके आप जुड़ सकते हैं। सर श्योर 60 के बारे में बताएं, श्योर 60 के बारे में मेरे बच्चे गूगल से नंबर ले लेना, इसी में मैंने वीडियो डाल रखा है एक श्योर 60 का कैसे क्या है। ऑनलाइन में तो हम लोग नहीं कुछ करते हैं बेसिस, ऑफलाइन के लिए हम लोग अच्छा करते हैं, तो उसमें आप आ सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं रात को 11 बजे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।